हेलो दोस्तों, मैं हूं नीतीश। स्वागत करता हूं आपके इस अपने यूट्यूब चैनल निक टेक कॉल में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कितना केवीए का ट्रांसफार्मर कितना एम्पीयर तक लोड लेगा, कैसे निकालें। वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों, ट्रांसफार्मर की एम्पीयर निकालने से पहले आपको एक छोटी सी जानकारी दे दे दो। जो मेरा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है उसका वाइंडिंग डेल्टा टू स्टार किया जाता है। डेल्टा टू स्टार कब किया जाता है और कैसे किया जाता है, कहाँ इसका यूज होता है, अगर आप नहीं जानते हैं तो इस पे वीडियो हम एक बना चुके हैं। आप उस वीडियो को देख कर अपना सारा डाउट को क्लियर कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप वहाँ से जाकर देख ले सकते हैं। दोस्तों, जानने के लिए इस ट्रांसफार्मर को देखिए। इमेज में जो ट्रांसफार्मर आपको दिखाई दे रहा है वो 200 केवीए इसका रेटिंग मान लिया गया है, और ये सिंगल फेज का नहीं, ये थ्री फेज का है, RYB आप देख सकते हैं। और जो इसका आउटपुट वोल्टेज है 440 है, और एम्पियर का जो फॉर्मूला होता है KVA गुने 1000 √3 गुने V। दोस्तों, जो यहाँ पे जैसे जैसे फॉर्मूला है वैसे वैसे पुट हम लोग को कर देना है। जैसे यहाँ पे KVA है तो जो मेरा ट्रांसफार्मर है 200 KVA का है, तो 200 KVA यहाँ पे लिख दिए गुने 1000, और यहाँ पे √3 को ऐसे छोड़ देते हैं, और गुने जो मेरा आउटपुट वोल्टेज है आपको वही लिखना है। जैसे मेरा आउटपुट वोल्टेज है 440, ये थ्री फेज ट्रांसफार्मर है तो इसका 440 वोल्टेज आउटपुट होगा, और हम लोग लिख दिए यहाँ पे। और चलिए इसको कैलकुलेशन करते हैं। तो अब देखिए, अब इसका कैलकुलेशन करने के बाद इससे अगर 200 × 1000 करते हैं तो मेरा यहाँ पे 200000 हो जाएगा, और √3 का मान यहाँ पे हटाकर 1.73 लिख दिया है, और यहाँ पे 440 वोल्ट रहने दिए। इससे गुना करने के बाद 761.2 आया, और इसको अगर डिवाइड कर देते हैं तो मेरा 262.74 एम्पियर आया। जो मेरा ट्रांसफार्मर का एम्पियर है 262.74 आ गया। मतलब इससे हमको पता चलता है कि जो मेरा ट्रांसफार्मर है 200 केवीए का, वो मैक्सिमम लोड 62 या 63 लोड तक ले सकता है। दोस्तों, अगर आपके पास कोई जनरेटर है सिंगल फेज का, उसको कैसे निकालना है वो भी हम इस वीडियो में बता रहे हैं, देखते रहिए वीडियो को। दोस्तों, यहाँ पे देखिए, ये सिंगल फेज 5 KVA का जनरेटर है, तो इसको कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे हम लोग निकालेंगे सिंगल फेज। जो जनरेटर होता है 5 KVA सिंगल फेज का आपके पास अगर है मान लीजिए कि, तो इसका एम्पियर कैसे कैलकुलेट करें। दोस्तों, यहाँ पे देखिए, I इक्वल टू जो फार्मूला होता है KVA गुने 1000, और यहाँ पे जो √3 है ये सिंगल फेज में √3 हट जाता है, इसको हम लोग कोई कैलकुलेशन नहीं करेंगे। तो चलिए, जो इसका आउटपुट वोल्टेज है जनरेटर का 220 से 230 है, और एम्पियर अब इसका एम्पियर पे हम लोग बैठा देते हैं। इसके कैलकुलेट करने के बाद जो मेरा आया रिजल्ट वो 21.73, यानी जो मेरा एम्पियर आ गया जनरेटर का वो 21.73, यानी जो 22 एम्पियर, इसको 22 भी मान ले सकते हैं, और जो मेरा जनरेटर का मैक्सिमम लोड होगा वो 22 एम्पियर तक होगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक अगले नए वीडियो में।